डियर स्टूडेंट्स, एट क्लास, सब्जेक्ट हिंदी, टुडे टॉपिक सर्वनाम प्रनाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता, सहजता और स्पष्टता आती है। यदि सर्वनाम ना हो तो संज्ञा शब्द की आवर्ती मतलब उस शब्द को बार बार दोहराना पड़ता है। सर्वनाम शब्द के प्रयोग से भाषा में सहज, सामान्य, सुंदर हो जाती है। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं, इसीलिए इनका रूप भी संज्ञा के अनुसार बदल जाता है। जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका, तुम्हारा, आपका, आदि, ये सब सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रनाउन। सर्वनाम के 6 भेद हैं। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ संबंधवाचक सर्वनाम, फिफ्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम और सिक्स्थ है निवाचक सर्वनाम। फर्स्ट पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी पुरुष के नाम पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, स्वयं, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में आगे बांटा गया है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फर्स्ट है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष की क्या पहचान होती है? कि बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक कहलाते हैं। जैसे मैं, मुझको, मेरा, हमारा आदि। अब इसका उदाहरण क्या लेंगे? मैं पत्र लिखता हूँ, यानी वो अपने लिए बात कर रहा है। हम स्कूल जाते हैं, यहाँ पर भी वो अपने लिए बात कर रहा है, तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। सेकंड है मध्यम पुरुषवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम, तुम्हारा, आप आदि। इसका उदाहरण हम क्या लेंगे? कि तुम उधर मत जाओ, तुम यह काम मत करो, तू कहाँ जा रहा है। ये सब मध्यम पुरुष है वाचक सर्वनाम है। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिनके विषय में बात की जा रही है या जिसके विषय में लिखा जा रहा है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उन्हें, उनका आदि। उदाहरण क्या लेंगे? वह फल खाता है, वे लोग दिन भर खेलते हैं। ये अन्य पुरुषवाचक है, किसी तीसरे के बारे में इसमें बात हो रही है। सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से स्पष्ट हो रहा है निश्चय, मतलब किसी बात के बारे में बिल्कुल क्लियर है। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा बस्ता है, यानी क्लियर हो रही है बात, निश्चय हो रहा है कि ये किसका बस्ता है, यह मेरा बस्ता है, वह मेरी कार है। इन उदाहरणों में यह, वह किसी वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत कर रहे हैं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। जिस सर्वनाम पद से किसी निश्चित वस्तु या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ कौन सो रहा है, चाय में कुछ गिर गया है, बाहर कोई आया है। इनमें कौन, कोई, कुछ शब्द किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से नहीं बता रहे हैं कि कौन आया है, चाय में क्या गिर गया है, यहाँ कौन सो रहा है। यहाँ पर निश्चित रूप से जो वस्तु या व्यक्ति के बारे में नहीं कहा गया है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फोर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम। वे शब्द जो एक सर्वनाम शब्द का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोगे वही काटोगे। जैसे जैसा वैसा और जो वही शब्द दो सर्वनाम के संबंध बता रहे हैं, इसीलिए इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर प्रश्न किया जाएगा। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मालिक कहाँ गया, कब किसने तोड़ा, वह कौन जा रहा है, इसके अंदर किसी बात के बारे में प्रश्न किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों में निजतव यानी अपने आप का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना काम स्वयं करो, वह अपने आप लौट आएगा, वह खुद ही आ जाएगी, मैं अपने आप याद कर लूंगी। यहाँ पर अपने स्वयं काम करने की भावना प्रकट की गई है, इसलिए इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।